हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने लास्ट टाइम पे लास्ट लेक्चर को कंप्लीट किया जिसके अंदर हमने फ्रॉग का डेवलपमेंट पढ़ा। आज हम ये फ्रॉग के डेवलपमेंट एंड हैन के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ये सारे टॉपिक्स हम क्लियर कर चुके हैं। आज हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उनमें किन ऑर्गेनिजम्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और कैसे होता है। ठीक है, लाइक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है जैसा कि सिंगल पेरेंट्स होते हैं, एंड सिंगल पेरेंट्स से ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है, बट इसके भी कई सारे तरीके हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड इन डिफरेंट टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स हैं उसके भी। लाइक फर्स्ट जो है बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, सेकेंड वन इज बडिंग, थर्ड वन इज फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ वन इज रीजनरेशन, और भी बहुत सारे होते हैं, मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है, एंड देन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ऑल दीज टाइप्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। हम इस क्लास के अंदर अभी जो एट प्रेजेंट हम जिनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो इन दो टाइप्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज बाइनरी फ्यूजन, सेकेंड वन इज बडिंग। ठीक है, ये दोनों ही किसके टाइप है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है। दैट मीन्स ये दोनों ही ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही टाइप्स हैं। क्लियर? सो ये दोनों सिंगल पेरेंट्स से ही, बाइनरी फ्यूजन जो होता है ये एक ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो ये किन ऑर्गेनिजम्स में होगा? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, यहाँ देखिए फिजन, ये जो फिजन वर्ड है, फिजन का मतलब क्या होता है बेटा? फिजन मतलब होता है सेपरेट, ठीक है, डिवाइड। समझ में आ रही चीज़? दो वर्ड्स आते हैं, एक होता है फिजन और एक होता है फ्यूजन। ठीक है, तो हमने फ्यूजन कहाँ पढ़ा है? फर्टिलाइजेशन के अंदर फ्यूजन वर्ड पढ़ा है। फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, एंड फिजन मतलब क्या होता है? सेपरेट होना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? फिजन मतलब यहाँ पे क्या होगा? सेपरेशन, यहाँ सेपरेट होगी चीज़ें। ठीक है, तो बाइनरी फ्यूजन सबसे पहली चीज़ तो किन ऑर्गेनिजम्स में होगा? वो ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेलुलर होंगे, ठीक है, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, ये सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन सब के अंदर किस तरीके का रिप्रोडक्शन चलता है? ए सेक्सुअल तो चलता है, बट ए सेक्सुअल के अंदर भी किस टाइप के रिप्रोडक्शन को ये फॉलो करते हैं? तो दे फॉलो ना बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, वो किसको फॉलो करते हैं? बाइनरी फ्यूजन को फॉलो करते हैं। लाइक अमीबा के अंदर बाइनरी फ्यूजन कैसे होता है एक बार ये देख लेते हैं। ठीक है, सो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म है, कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर ये देख लीजिए। ये एक जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है अमीबा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये कुछ इरेगुलर शेप का होता है। ठीक है, एक सिंगल सेल है और इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। ये जो पार्ट है ये न्यूक्लियस, ठीक है, और चारों तरफ जो फ्लूड प्रेजेंट है दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो एक जो अमीबा का स्ट्रक्चर जो होता है, सिंगल स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है? सिंगल सेल, इसके अंदर न्यूक्लियस, एंड जो फ्लूड है वो साइटोप्लाज्म। ठीक है, किस जब अमीबा मैच्योर हो जाता है, और ये जो देख रहे हैं ये वाला जो बैंडेड पार्ट है अमीबा का, ये जो मुड़ा वाला पार्ट है, इसको हम सूडोपोडिया कहते हैं, इस वाले पार्ट को। ठीक है, क्लियर? सो किस तरीके से ये जो अमीबा है वो अपने आप को डिवाइड करता है, जैसे ही ये मैच्योर होता है तो ये किस तरीके से अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है? सबसे पहले इस अमीबा की बॉडी में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, एक दबाव आती है, जिस कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, ये जो अमीबा है वो दबता है, और जब अमीबा कॉन्ट्रैक्ट होता है, इनकी जो बॉडी है वो जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो अंदर जो न्यूक्लियस है, अमीबा के अंदर जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस भी क्या होता है? लेंथेंड, मतलब वो न्यूक्लियस जो है वो इलॉन्गेटेट होता है, लंबा होता है। ठीक है, खिंचता है। जैसे ही आप जो साइटो अमीबा है वो कंट्रैक्ट होगा, दबेगा, तो उसका जो न्यूक्लियस है अंदर का वो क्या होता है, क्या होगा? लंबा होगा, इलॉन्गेटेट होगा, और इलॉन्गेटेट होके यहाँ पे क्या लिख रखा है बेटा? कायरियोकाइनेसिस। कायरियोकाइनेसिस का मतलब ही होता है, कायरियो वर्ड जो होता है वो किसके लिए होता है? न्यूक्लियस के लिए। ठीक है, कायरियो मीन्स न्यूक्लियस। ठीक है, सो न्यूक्लियस का यहाँ पे क्या होता है? डिवीजन। कायरियोकाइनेसिस मीन्स क्या होता है बेटा? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस का क्या होता है? डिवीजन होता है। ठीक है, सेल डिवीजन्स,
सेल डिविजन्स होते हैं उनमें कायरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कि न्यूक्लियस का डिवीजन। तो सबसे पहले जो अमीबा की बॉडी है उसने क्या किया, अपने आप को कंट्रैक्ट किया। कंट्रैक्ट करने के बाद उस स्टेप पे क्या हुआ, जो न्यूक्लियस है वहाँ पे न्यूक्लियस भी डिवाइड होने लग गया। ठीक है, तो न्यूक्लियस डिवाइड होने लगेगा एंड देन थर्ड स्टेप में क्या होगा बेटा, थर्ड स्टेप के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेपरेटली डिवाइड होकर ऐसे सेपरेट हो जाएगा, एक न्यूक्लियस यहाँ और एक न्यूक्लियस यहाँ। एंड उस थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन्स सेल, ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस मतलब अब यहाँ पे सेल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस जैसे ही डिवाइड हुआ उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेल डिवाइड हो गया और जब ये सेल डिवाइड हो जाएगा तो इस तरीके से मतलब एक सिंगल सेल था वो अपने आप को उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके यहाँ पे ये ऐसे इस तरीके से ब्रेक होकर यहाँ पे ये टू डॉटर अमीबा बनेंगे, टू डॉटर सेल्स बन जाएंगे सेपरेट सेपरेट। ठीक है, तो ये जो टू डॉटर सेल्स बने यही क्या है, ऑफस्प्रिंग है किसका, अमीबा का। ठीक है, तो ये जो अमीबा है बेटा, अमीबा का जो ऑफस्प्रिंग होगा वो एज इट इज क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, बिल्कुल फोटोकॉपी होगा टू देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स की फोटोकॉपी, बिकॉज यहाँ पे देख लीजिए कोई भी अलग से कोई भी गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है। यहाँ जो अमीबा था, जो पेरेंट्स बॉडी थी, उस पेरेंट्स बॉडी के न्यूक्लियस ने अपने आप को क्या किया, पहले अपने न्यूक्लियस को डिवाइड किया। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, जेनेटिक मटेरियल्स, तो जेनेटिक मटेरियल्स डिवाइड हुए, डिवाइड होने के बाद उसने अपने सेल को डिवाइड किया थर्ड स्टेप में, जैसे ही सेल को डिवाइड किया उसके बाद टू डॉटर न्यूक्लियस, टू डॉटर सेल्स बने, सॉरी टू डॉटर सेल्स बने जो कि बिल्कुल एज इट इज सिमिलर होते हैं टू देयर पेरेंट्स। क्लियर है, सो बाइनरी फ्यूजन क्या होता है बेटा, इन बाइनरी फ्यूजन द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म अ टू न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, अपने ही काइंड के दो ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन, बाय मीन्स टू। ठीक है, तो बाइनरी फ्यूजन मतलब, फ्यूजन मतलब सेपरेशन। ओके, सो एक पेरेंट से टू डॉटर सेल्स क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, जिनको हम टू डॉटर सेल्स भी कह सकते हैं और टू डॉटर अमीबा भी कह सकते हैं, बिकॉज ये सेपरेट होके एक सिंगल सिंगल क्या बन चुके हैं, अमीबा बन चुके हैं। क्लियर, तो यहाँ पे कोई भी, यहाँ देख रहे हैं न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे कोई भी सेपरेटली बाहर से कोई नया गैमेट्स बन नहीं रहा है, फ्यूज नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो डॉटर सेल्स होंगे उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो एज इट इज़ पेरेंट्स के क्या रहेंगे, फोटोकॉपी होंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, जो अमीबा है वो अपने अमीबा जो है वो रिप्रोडक्शन करता है थ्रू द बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, पहले स्टेप, सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन में है, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, कायरोकाइनेसिस हुआ, कायरोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, थर्ड स्टेप में क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस, सेल का डिवीजन हुआ, एंड फोर्थ स्टेप में वो दो सेपरेट डॉटर न्यूक्लियस में डॉटर सेल्स के अंदर फॉर्म्ड हो गए। क्लियर, ओके, यस। सो नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, बाइनरी फ्यूजन हमने कंप्लीट किया, सेकंड जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वो है बडिंग। ठीक है, बडिंग के बारे में पढ़ेंगे कि बडिंग जो है उसके इस मेथड से कैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। तो बेटा बडिंग के अंदर क्या, बाइनरी फ्यूजन में क्या हो रहा था, न्यूक्लियस जो है वो अपने आप को डिवाइड कर रहा था टू पार्ट्स में, एंड देन सेल डिवाइड होकर दो डॉटर न्यूक्लियस बन रहे थे, दो डॉटर सेल्स बन रहे थे। ओके, बडिंग के अंदर क्या होता है बेटा, जो पेरेंट्स बॉडी होती है, ठीक है, उन पेरेंट जैसे ही वो मेच्योर होती है और रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होती है, तो जो पेरेंट्स बॉडी है उन बॉडी के, उसी की बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ निकलती है, जिस आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं, बड। ठीक है, स्मॉल आउटग्रोथ निकलती है, लाइक ये हाइड्रा, बडिंग किन में होता है, मेनली हाइड्रा, कोरल्स, ठीक है, स्पॉन्जेस, इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें इस तरीके का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बडिंग। जो ये क्या है बेटा, यहाँ पे हाइड्रा के अंदर देख रहे हैं हम, हाइड्रा में बडिंग कैसे होता है, सपोज ये जो हाइड्रा है ये पेरेंट्स बॉडी है, पेरेंट्स बॉडी से क्या निकलेगा बेटा, एक आउटग्रोथ निकलती है। ठीक है, एक आउटग्रोथ बाहर से उसकी बॉडी के ऊपर से एक आउटग्रोथ निकलती है, जिस आउटग्रोथ को हम कहते हैं बड। ठीक है, एंड थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये जो बड है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। क्लियर, जो बड है वो डेवलप होता है, बड डेवलप होकर उनमें क्या आना स्टार्ट हो जाते हैं, बड के अंदर टेंटिकल्स, ये जो पार्ट बेटा ये
दिस इज कॉल्ड टेंटिकल्स, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टेंटिकल्स। तो बड के अंदर जो आउट जो बड है उसमें भी धीरे धीरे डेवलपमेंट चालू होता है, डेवलपमेंट चालू होने के बाद क्या होता है कि इसमें टेंटिकल्स आना स्टार्ट होते हैं। अब ये टेंटिकल्स आना स्टार्ट होते हैं तो दैट मीन्स यहाँ पे जो साइज है बेटा बड की वो बढ़ती जाती है, और जैसे ही साइज बढ़ती है कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये जो बड है ठीक है ये पेरेंट्स बॉडी को डिटैच कर दे, पेरेंट्स बॉडी से सेपरेट हो जाता है और अलग होकर ये पूरा एक न्यू इंडिविजुअल रेडी होता है। तो इस तरीके से हाइड्रा के अंदर क्या हो रहा है, बडिंग। बडिंग में मेनली इन बडिंग ए स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बड, ठीक है, बडिंग के अंदर एक स्मॉल आउटग्रोथिंग होती है जिस आउटग्रोथिंग को हम बड कहते हैं, और ये बड फर्दरली बड इज फॉर्म ऑन द बॉडी ऑफ द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म विच ग्रो इन साइज एंड गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, समझ, डिटैच टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। पेरेंट्स की बॉडी से बड रिलीज होगा और बड जो है वो अपने आप को ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद वो क्या करता है, पेरेंट्स बॉडी को, पेरेंट्स बॉडी से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, और अलग होकर वो एक न्यू इंडिविजुअल बनता है। तो इस तरीके से बडिंग होता है, बडिंग में एक बड जो होता है वो फॉर्म्ड होता है, ठीक है, एक आउटग्रोथिंग निकलती है। बाइनरी फ्यूजन में कॉन्ट्रैक्शन होता है, साइटोकाइनेसिस काइरोकाइनेसिस होता है, देन साइटोकाइनेसिस होता है एंड न्यू इंडिविजुअल बनता है, ठीक है, क्लियर। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है, ओके।